नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 19 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों में से एक में 7 अग्निवेदियों हवन कुंड की एक पंक्ति पाई गई। इसके अलावा इस स्थल से हल से खेती के सबसे पुराने साक्ष्य और भूकंप का सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य मिला है। उपयुक्त पुरातात्विक स्थल कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में पूर्वी भारत में नए धर्मों का उदय हुआ जो बाद में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गए। उत्तर वैदिक काल में नए धर्मों के उदय का वास्तविक कारण निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय दर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो सांख्य प्रणाली का मानना है कि ब्रह्मांड का विकास ईश्वर के कारण होता है। गलत है। न्याय प्रणाली ईश्वर को संसार का निर्माता नहीं मानता है, ये भी गलत है। तो ऊपर दिए कुट में से सही उत्तर चुने, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध और जैन साहित्य भारतीय उपमहाद्वीप में फैले महाजनपदों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बुद्ध के काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण गणतांत्रिक राज्य था। यह उदगंगा के उत्तरी किनारे पर स्थित था। यह 8 गणों का एक संघ था। प्रश्न में उल्लेखित महाजनपद कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बज्जी संघ के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगनी के अनुसार अशोक निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैव धर्म का अनुयायी था। राज तरंगनी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। राज तरंगनी की जब बात हो रही, तो राज तरंगनी कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबरुणर्क या देवबर्णक एक गांव है जो मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। देवबर्णक में पाया गया एक शिलालेख जीवित गुप्त द्वितीय के शासनकाल का है जो बाद के गुप्तों के बारे में जानकारी देता है। देवबरुणर्क गांव कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिहार में स्थित है। यह बिहार के भोजपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्थानिक। मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची का हिस्सा है? तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का हिस्सा है कुंभ मेला, जंडियाल गुरु, पंजाब का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प, छऊ नृत्य और कार्बेलिया लोकगीत, ये सभी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची के हिस्से हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के अंत में विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में बहमनी साम्राज्य के रूप में एक शक्तिशाली शत्रु से खतरों का सामना करना पड़ा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हसन गंगू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन में नस्क प्रणाली क्या थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, किसानों द्वारा दिया जाने वाला कर नस्क कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था। सही है। मलिक काफूर तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना। गलत है, क्योंकि तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना था गयासुद्दीन तुगलक। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी द्वारा 1674 ईस्वी में स्थापित मराठा साम्राज्य ने अंततः 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया। छत्रपति शिवाजी किस वंश से संबंधित थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोंसले वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकड़ी कभी मुगल सम्राट अकबर की समृद्ध राजधानी थी। हालांकि अकबर ने 1585 ईस्वी में शहर को छोड़ दिया और राजधानी को वापस आगरा ले गया। फतेहपुर सिकरी से राजधानी को आगरा स्थानांतरित करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर, पानी की कमी और राजपूताना क्षेत्र से निकटता। सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का पौधा सबसे पहले दक्कन में आया और फिर उत्तरी भारत में फैल गया। उत्तर भारत में तंबाकू किसके शासनकाल में आया था?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन गुर्दे में पानी के अवशोषण को बढ़ाता है जिससे मूत्र केंद्रित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, धरवार चट्टाने बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। गलत है, क्योंकि धरवार चट्टाने जो है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में नहीं पाई जाती, बल्कि मुंगेर में खड़गपुर पहाड़ी सहित बिहार के दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। तृतीय चट्टाने बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में पाई जाती है। सही है, कौन सा कथन सही है, तो केवल कथन दो सही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पीछे हटते मानसून की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यह तापमान में गिरावट द्वारा चिन्हित होता है, यह मानसून की विशेषता नहीं है। बाकी तीन मानसून की विशेषता है, क्या विशेषता है, तो अक्टूबर और नवंबर पीछे हटते मानसून से जुड़े होते हैं, यह आसमान साफ द्वारा चिन्हित होता है और यह प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी आदिवासी नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन तीनों राज्यों में आदिवासियों की जनसंख्या नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जबकि बिहार में आदिवासी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कच्छ, कच्छ जिला जो कि गुजरात में है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम वार्षिक वर्षा होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिकतम वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 500 से अधिक, अंडमान और निकोबार में 500 से अधिक द्वीपों की संख्या है, जिसमें से मात्र 36 द्वीप ऐसे हैं जिस पर मानव का निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र 38 द्वीप ऐसे हैं जिस पर मानव का निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका निर्माण और तंत्रिका कार्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिका निर्माण और तंत्रिका कार्य के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी और मृत कार्बनिक पदार्थ, ये पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड ने, उत्तराखंड ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पाई जाने वाली मिट्टी खुरदुरी होती है, पाए जाने वाले अधिकांश जानवर निशाचर होते हैं अर्थात रात में विचरण करते हैं, कई कीटों के पास मोमी कोट होते हैं। ऊपर वर्णित पारिस्थितिकी तंत्र किस का वर्णन करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बीच ओक मेपल और चेरी जैसी वनस्पतियां टुंड्रा बायोम से संबंधित है। गलत है, क्योंकि ये सवाना बायोम से संबंधित है। साइबेरियाई घास सवाना बायोम में साइबेरियाई बाघ सवाना बायोम में निवास करते हैं। गलत है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी की सतह के केवल 2% हिस्से को कवर करता है। गलत है, और सवाना बायोम अफ्रीका में सबसे अधिक व्याप्त है। सही है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में उड़ने वाले जेट विमान अपने पीछे एक सफ़ेद निशान क्यों छोड़ते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जेट इंजन में नमी संघनित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कई संकेंद्रित परतों से बनी होती है जो एक दूसरे के अंदर है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। महासागरीय क्रस्ट की गहराई कितनी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5 से 10 किलोमीटर, महासागरीय क्रस्ट की गहराई होती है 5 से 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया, आदिम वायुमंडल का नुकसान, प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल का संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के विकास का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो सबसे पहले आदिम वायुमंडल का विकास होता है,
उसके बाद से पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया और अंत में प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल का संशोधन हुआ। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के ज्वालामुखियों में से किस प्रकार का ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोटक होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कल्डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे लोकप्रिय तर्क बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज लेमेंट्रेय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन देश नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान बाल्कन देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें। बेरिंग जल डमरू मध, बेरिंग जल डमरू मध संबंधित है। यह एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध, यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। और बोस्फोरस जल डमरू मध काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है। तो कौन सा सही उत्तर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित पर विचार करें। चार प्रायद्वीप का नाम दिया हुआ है, तो उपयुक्त प्रायद्वीप का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम बताना है। तो कमचटका प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप, चुकची प्रायद्वीप और कोरियाई प्रायद्वीप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3142, अर्थात सबसे उत्तर में चुकची प्रायद्वीप, उसके नीचे है कमचटका प्रायद्वीप, उसके नीचे कोरियाई प्रायद्वीप और सबसे दक्षिण में मलय प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में सामान्य सार्वजनिक महत्व के मामले पर पीठासीन अधिकारी की सहमति के लिए सहमति से किए गए प्रस्ताव के अलावा कोई चर्चा नहीं हो सकती। इस संदर्भ में यदि भारत में राष्ट्रपति या मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे किसी महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाना है तो यह क्या कहलाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मूल प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सही है, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ये भी सही है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। जब धन विधेयक की बात होती है तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में वर्णन किया गया है धन विधेयक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है राज्य का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, कनाडा के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो है यह आयरिश संविधान से ली गई है। और संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में न्यायोचित होते हैं। गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य प्रकृति में न्यायोचित नहीं होते हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग चार में किया गया है। गलत, क्योंकि यह संविधान के भाग चार ए में किया गया है। मौलिक कर्तव्य को राष्ट्रव्यापी आंतरिक आपातकाल के दौरान संविधान से जोड़ा गया था। सही है, क्योंकि इसे जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को 1976 ईस्वी में, जब भारत में आपातकाल की स्थिति थी, आंतरिक आपातकाल के समय यह जोड़ा गया था। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है और वह 10 दिनों के भीतर यह नहीं बताता है कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है तो इसका क्या परिणाम होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वह केवल लोकसभा का सदस्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता के किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1988 ईस्वी में आया था, इसके द्वारा भारत में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के उपयोग के उदाहरण हैं?
तो मिनर्वा मिल्स मामला जो कि 1980 में आया था, गोलकनाथ मामला 1967 और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला 1970, ये तीनों मामला न्यायिक समीक्षा के उपयोग के उदाहरण है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करता है? तो प्रस्तावना, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 27, प्रस्तावना, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 27, ये तीनों भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावना, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया है जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15 जो कि राज्य के किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 27 जो है, अनुच्छेद 27 धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता अनुच्छेद 27 भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का राजनीतिक और विधायी प्रशासन राज्यों से अलग है, इस संदर्भ में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है और यह विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है, वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के अतिरिक्त संसद द्वारा असाधारण या विशेष परिस्थितियों में विभिन्न अन्य अनुदान दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान तब जारी किया जाता है जब चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के बजट में परिकल्पित कुछ नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के समान नहीं होती है? धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों की स्वीकृति के मामले में दोनों को समान अधिकार है, राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग दोनों को अधिकार है, अनुदान की मांगों पर मतदान, इसमें लोकसभा की स्थिति मजबूत होती है। तो कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पिछले 5 वर्षों में खाद्य सब्सिडी में लगातार वृद्धि हुई है, गलत है, सब्सिडी युक्त राशन को प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग किसी भी राज्य में किया जा सकता है, सही है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारतीय कृषि क्षेत्र पिछले 6 वर्षों में 4% से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, सही है, कृषि निर्यात 2021-22 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, सही है, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की बैलेंस शीट में परिसंपत्ति के रूप में दिखाया गया है? तो सही उत्तर, ऋण पर अग्रिम राशि को दिखाया गया है, बैंक के पास मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां और CRR या नगद आरक्षी अनुपात को दिखाया गया, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन्स भारत में कृषि स्थिरता में किस प्रकार का योगदान देता है? तो जैविक खेती के तरीकों को बदल देता है, गलत, प्रमुख नाशवान फसलों के लिए मूल स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, सही, और कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाकर, गलत, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने, सही उत्तर केवल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशेष आहरण अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF वित्त पोषण कोटा तंत्र का हिस्सा है? तो इसका हिस्सा हो जाएगा GDP भारित औसत, खुदापन और आर्थिक परिवर्तनशीलता, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घाटे के मुद्रीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम हो सकता है? तो समग्र मांग में वृद्धि हो सकती है, सरकारी बॉन्ड की रेटिंग कम हो सकती है और रुपये का अवमूल्यन होगा, कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का सबसे संभावित प्रभाव क्या है? राजकोषीय घाटे में वृद्धि, कुछ क्षेत्रों में मंदी और चालू खाते के घाटे में वृद्धि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार अर्थात ENAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ENAM का उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना है। सही है, यह केंद्रीकृत ट्रेडिंग फ्लोर के साथ एक भौतिक बाजार के रूप में कार्य करता है। गलत, यह भौतिक बाजार के रूप में कार्य नहीं करता है। इस योजना को पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा लागू और प्रबंधित किया जाता है। गलत, इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर लागू और प्रबंधित करती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन एक सही है। राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों की जांच करें। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय का एक माप है। सही है, राष्ट्रीय आय में मध्यवर्तीय वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है। गलत, हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल है। गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में GFCF का अर्थ क्या होता है? GFCF का अर्थ होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अर्थात सकल स्थिर पूंजी निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के आंकड़ों के अनुसार लौह अयस्क के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2017-18 में 6.7% से बढ़कर 2023-24 में 7.8% हो गई। सही है, स्वास्थ्य व्यय 2017-18 में 1.9% से घटकर 23-24 में 1.4% हो गया। गलत है, कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु रोग जो कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है एक बढ़ता हुआ वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने नियंत्रण बोर्ड बनाया और इसे भारत में नागरिक और सैन्य सरकार के सभी कार्यों या भारत में कंपनी के अधिकृत क्षेत्रों के राजस्व की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांजो डी अल्बुकर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने तंबाकू और काजू जैसी नई फसलें शुरू की। सही है, उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान से गोवा के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। गलत है, उन्होंने स्थानीय महिलाओं से शादी को प्रोत्साहन किया। सही है, कौन सा कथन सही है? तो कथन एक और तीन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे लॉर्ड कार्नवालिस ने पेश किया था। गलत है, क्योंकि इसे डलहौजी ने पेश किया था। नागपुर और सतारा के रियासतों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सही है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किस लड़ाई से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्लासी की लड़ाई से संबंधित है ब्लैक होल त्रासदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पागलपंथी आंदोलन और उसके नेता का नाम दिया हुआ है, आंदोलन और उसके नेता का नाम दिया हुआ है, तो पागलपंथी आंदोलन करीम शाह। सही है, रामोसी विद्रोह बुद्धो भगत। गलत, क्योंकि रामोसी विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़के, कोल विद्रोह चित्तूर सिंह। गलत, क्योंकि कोल विद्रोह बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू, और मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। कितने युग में सही है? तो तीन युग में सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरसेन। सूरसेन बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। बाकी ये तीन, अंग, मगध और बज्जी, ये तीनों बिहार के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि सूरसेन जो है, सूरसेन वर्तमान मथुरा से संबंधित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी अर्थात महादेव लाल सराफ, श्याम नारायण सिंह और गौरी शंकर सिंह, तीनों
सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सही है। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893, 1896 और 1908 के अधिवेशनों में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, गलत है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो थे वह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण द्वारा किस आंदोलन के दौरान गठित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने ब्रिटिश भारत में लगभग 18 साल जेल में बिताए। भारत सरकार ने 23 मार्च 2000 को उनके नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। वो भुसावल, काकोरी, तिरहुत, डेलुआहा षड्यंत्र मामलों में सह अभियुक्त थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो यह संबंधित है बसाओ सिंह नह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान चंद्र राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे, सही है। वह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, सही है। उन्होंने 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, गलत है, क्योंकि उन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के आधार पर DNA टुकड़ों को अलग करने के लिए किस जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मस्तिष्क संरचना भावनाओं को विनियमित करने में शामिल है और लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, एमिग्डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु परिवर्तन की प्रक्रिया की खोज किसने की जिससे यह समझ में आया कि DNA अनुवांशिक पदार्थ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंस की किस पुस्तक ने विकास में चयन की प्राथमिक इकाई के रूप में जीन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, द सेल्फिश जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। जमुई, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और पटना, गंडक नदी उपयुक्त में से किस जिले से होकर बहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, अर्थात पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज, इसलिए ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में दूसरा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार की 50% से अधिक आबादी बहुआयामी गरीब है, गलत, क्योंकि बिहार की 33.76% आबादी बहुआयामी गरीब है। भारत में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन 2 सही, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना 2020 में की गई थी, सही है। कांवर ताल बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है, गलत है, क्योंकि हाल ही में कांवर ताल के अतिरिक्त नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। कांवर ताल बिहार का एकमात्र सामुदायिक अभयारण्य है, गलत है। जो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन 2 और 3 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण फिलीपींस की सहायता से किया गया है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया है वह जापान की सहायता से किया गया है। बाकी ये 3 ऑप्शन सही हैं। स्तूप बौद्ध संरचनाएं हैं जो बुद्ध के महानिर्माण का प्रतीक है। महावीर ने जिम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया था और संवेद शिखर जैन धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुंगेर में निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं, सही है। चिराद में 9 पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं, सही है। अशोक ने मुगली पुत्र 30 की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, गलत है, क्योंकि पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। विनय पीटक और सुपीटक दूसरी बौद्ध परिषद में संकलित किया गया था, गलत है, क्योंकि विनय पीटक और सुपीटक जो था यह पहली बौद्ध संगीति में ही संकलित कर लिया गया था।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि उत्पादकता और उत्पादन के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो रोहतास बिहार में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। मधुबनी जिला बिहार में चावल का सबसे छोटा उत्पादक है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये दोनों ऑप्शन सही है। मधेपुरा में गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक है और मधुबनी में गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में बिहार में 23 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीर कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी में इसी दिन कैप्टन ली ग्रांड को और उनकी सेना को हराया था 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट और तिलक ने क्रमशः मद्रास और पुणे में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। पटना में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मजहरुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आदिवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में चांद, भैरव, फूलो, झानो आदि नेता किससे जुड़े हुए थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मगध के शासक बिंबिसार ने धन्वंतरी नामक राजवैद्य को प्रदोत्त राजा के उपचार के लिए अवंती भेजा था, गलत है। क्योंकि बिंबिसार ने धन्वंतरी नामक राजवैद्य को प्रदोत्त के उपचार के लिए नहीं भेजा था, बल्कि वो भेजा था जीवक को। जीवक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौजूद एक वैद्य था, गलत है। क्योंकि जीवक बिंबिसार के समय में एक वैद्य थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कोई भी कथन सही नहीं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म बिहार के सारण में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के केवल 20 दिन शेष रहते पटना कॉलेज छोड़ दिया था। बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। बाद में वे भारत में समाजवाद के प्रमुख सेनानी बन गए। उपयुक्त वाक्यांश किससे संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, सही है। गिरिवरधारी चौधरी बिहार से एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के साथ दांडी मार्च में भाग लिया था, सही है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद की थी, सही है। डच व्यापार के उद्देश्य से बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे, गलत है। क्योंकि बिहार में प्रवेश करने वाले पुर्तगाली पहले व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी तीन नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गंडक, कर्मनाशा और घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बड़ैला झील कटिहार में महानंदा के घुमाव बहाव के बनी एक गोखुर झील है, गलत है। क्योंकि यह वैशाली जिला में है। बड़ैला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित स्थल है, सही है। कौन सा कथन सही है। तो केवल कथन दो सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के प्रमुख कारकों में से एक है। सरकार ने 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू करने का फैसला किया है। इस संदर्भ में बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थानों की पहचान गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के लिए की गई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात चमुआ जो कि पश्चिमी चंपारण में है, बुधमा मधेपुरा में है और खुदीराम बोस पूसा जो कि समस्तीपुर में है। इन तीनों को गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के रूप में चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नील गाय सबसे बड़ा एशियाई मृग है, सही है। भारत का पहला नील गाय अनुसंधान केंद्र बिहार के भोजपुर जिला में खोला गया है, गलत है। क्योंकि पहला नील गाय अनुसंधान केंद्र है यह बिहार के भोजपुर जिला में नहीं खोला गया है, बल्कि बक्सर जिला में खोला गया है। तो कौन सा कथन सही है। तो केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास के लिए देश में 57 स्थलों को अधिसूचित किया। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थल को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें शामिल किया गया है गया को और नालंदा को, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में वंदे भारत ट्रेनें निम्नलिखित में से किस रूट पर शुरू की गई।
तो पटना गोमती नगर और पटना न्यू जलपाईगुड़ी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चींटियां एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। सही है, मधुमक्खी के छत्ते के सदस्य एक दूसरे को अपने पंखों को फड़फड़ाने की आवृत्ति से पहचानते हैं। गलत है, कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हवाई यातायात के प्रबंधन के लिए ईशान नामक एक भारतीय परियोजना शुरू की गई है। ईशान पहल के सही विस्तारित रूप की पहचान करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एकल आकाश सामंजस्यपूर्ण वायु यातायात प्रबंधन, अर्थात इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनिजाइड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जीव में 1500 से अधिक स्वाद कली मानव जीव में 1500 से अधिक स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये स्वाद कलिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं के समूह हैं जो मस्तिष्क को संवेदी संदेश प्रेषित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन पांच मूल स्वाद हैं जो स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा और चटपटा, ये सभी स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित करते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण के लिए उपयुक्त की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिग डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला है और जहां हमलावर सेवा को बाधित करने के लिए नेटवर्क पर अत्यधिक ट्रैफिक भर देते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डीडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की द्वितीय तरंग, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है बल्कि इसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑर्केस्ट्रा में एक ही समय पर वायलिन और बांसुरी बजाई जाती है, दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम यानी कि हवा से होकर गुजरती है और एक ही समय पर हमारे कान तक पहुँचती है, हालांकि हम वायलिन की आवाज़ को बांसुरी की आवाज़ से अलग अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों ध्वनियों के बीच में अंतर होता है और दोनों ध्वनियों के आयाम में भी अंतर होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंगों की ऊर्जा अलग अलग होती है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सही, गामा किरण, एक्स किरण, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के उपयोग के बिना एक अद्वितीय फोटोग्राफिक छवि बनाना क्या कहलाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी? सही उत्तर, इसकी गति कम हो जाएगी और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बादल को वायुमंडल में तैरने में सक्षम बनाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कम घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल के पृष्ठ तनाव के कारण संभव है? सही उत्तर, जल की बूंदों का गोलाकार आकार होना और द्रव की बूंदों के सिकुड़ने और न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 से 3 हो जाए तो एच प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 100 गुना बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं और देखते हैं कि पानी का क्वथनांक कम होता है, इसका कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कम वायुमंडलीय दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, डिटर्जेंट पानी के पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है। गलत है क्योंकि यह पानी के पृष्ठ तनाव को घटा देता है। साबुन फैटी एसिड और क्षार घोल के मिलने से बनता है। सही है, कौन सा कथन सही है? तो कथन दो सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फोटोक्रोमिक ग्लास में उपयोग में लाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर एस्कॉर्टी लॉ कब देता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला पहला यौगिक था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। सही है, सीमेंट का जमना रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। सही है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। सही है, और सीमेंट के जमने की गति बढ़ाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक पारंपरिक कला रूप बेला प्रिंटिंग लुप्त होने के कगार पर है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री ने 18 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, गलत है क्योंकि यह 19 जून को उन्होंने उद्घाटन किया था। भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2015 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, गलत है क्योंकि यह जो अधिनियम था नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, यह 2010 में आया था। कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन सही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे पीएम ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सूर्य अर्घ दिया, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें लोकसभा चुनाव में महिला प्रतिनिधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2024 में चुनाव लड़ने वाले कुल उम्मीदवारों में से लगभग 10% महिलाएं थीं, सही है। 17वीं लोकसभा की तुलना में 18वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है, गलत है क्योंकि 17वीं लोकसभा में 78 सांसद चुन के आई थी जबकि 18वीं लोकसभा में मात्र 74 सांसद चुन के आई हैं। कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र द्वारा विकसित बायेसियन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जलवायु पैटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैंपी फ्लेग्रेई सुपर वेल्केनो चर्चा में था, इसकी स्थिति सही स्थिति की पहचान करें। तो इसका सही स्थिति है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक टाइगर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे मेलानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर्स कहा जाता है, सही है। वे IUCN स्थिति के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, गलत है क्योंकि यह गंभीर IUCN की स्थिति के अनुसार लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। कौन सा कथन गलत है? तो केवल कथन दो गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की प्रारंभिक डेल्टा रैंकिंग जारी की, निम्नलिखित में से कौन प्रथम स्थान पर, कौन सा ब्लॉक प्रथम स्थान पर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, तरियानी ब्लॉक। तरियानी ब्लॉक प्रथम स्थान पर है जो कि तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, UAE। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबे जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सचिन खिलाड़ी ने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता, सही है। एकता भयान ने महिलाओं की F51 क्लब थ्रो में रजत पदक जीता, गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2007 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। जापान ने मलेशिया को हराकर 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन नामक पुस्तक लिखी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुराधा मस्कारहेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्षों में पहली बार रूस को नया रक्षा मंत्री मिला है, इस संदर्भ में रक्षा मंत्री का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आंद्रेई बेलोसोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात CPRI द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट ट्रेडर्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रमशः सबसे बड़ा हथियार निर्यातक और सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, USA और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघयान 2024 कार्यक्रम का विषय है? तो जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार हाल ही में दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अजीत मिश्रा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से गारंटी देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को इन बीमारियों से निपटने में अपने अनुकरणीय प्रयासों के लिए खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार प्राप्त हुआ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था। सही है, वह पेरिस के एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सही है, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधावन बंदरगाह भारत का पहला मेगा बंदरगाह बनने वाला है। यह बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H5N2 वर्ल्ड फ्लू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के उप प्रकारों में से एक है। सही है, RT-PCR निदान के लिए नियोजित एक तकनीक है। सही है, ओसेल्टामिविर और जानामिविर जैसे एंटीवायरल दवाएं बीमारी को ठीक करने के लिए ली जा सकती हैं। सही है, कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाह सॉफ्टवेयर जो हाल ही में खबरों में रहा है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रक्षेपण यान से संबंधित है, प्रवाह सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। GI टैग उत्पाद का नाम दिया गया है और इससे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। तो अंबाजी व्हाइट मार्बल यह गुजरात से संबंधित है। सही है, लकडोंग हल्दी सिक्किम गलत है, क्योंकि लकडोंग हल्दी सिक्किम नहीं बल्कि मेघालय से संबंधित है। अजरक क्राफ्ट तेलंगाना गलत, क्योंकि अजरक क्राफ्ट जो है तेलंगाना ही नहीं बल्कि यह गुजरात से संबंधित है। कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो केवल एक में सही ढंग से मेल खाता है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? सही उत्तर रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकार्णा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्र को बंद करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मसाला बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मसाला बोर्ड अधिनियम 1994 के तहत एक वैधानिक संगठन है, गलत है, क्योंकि मसाला बोर्ड का गठन हुआ था 1987 में। इसका मुख्यालय इंदौर में है, गलत, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है कोची में है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता है, सही है। कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन 3 सही है। धन्यवाद।